उत्तर बिहार में बाढ़ का कहर जारी। गंडक नदी की तेज धार से चंपारण का बांध हुआ ध्वस्त। 800 से अधिक परिवारों के घरों में प्रवेश किया पानी। बिहार में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासत हुई तेज। राजधानी पटना में जन स्वराज के लगे बैनर से माहौल हुआ गर्म। जन स्वराज ने अपने पोस्टर के माध्यम से आरजेडी पर बोला हमला। पोस्टर पर लिखा जो अपने बहू का नहीं हुआ वह बिहार का क्या होगा। बिहार तो होगा, अब जन स्वराज का होगा। बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन ने बाढ़ की विभीषिका को लेकर जाहिर की अपनी चिंता। उन्होंने कहा बिहार में एक बार फिर बाढ़ अपना कहर बरपा रहा है, लेकिन सरकार पूरी तरह से सजग है। संतोष सुमन ने कहा कि सरकार के स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि लोगों को राहत और बचाव पहुंचने में कोई भी दिक्कत ना हो। उन्होंने कहा कि फिलहाल सरकार नियंत्रित करने में लगी हुई है। बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने बाढ़ की व्यवस्था का ठिकरा। नेपाल में हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश पर फोड़ा कहा। नेपाल में अधिक बारिश होने से बिहार में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। विजय चौधरी ने कहा पिछले कई सालों से नेपाल में जो बारिश हो रही थी उसकी तुलना में इस बार 3 दिन लगातार 70 घंटे बारिश हुई, जिसके कारण नेपाल की सभी नदियां का जलस्तर काफी बढ़ गया। इसका असर बिहार में देखने को मिल रहा। बिहार में बाढ़ की भयावह स्थिति देख डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का आया बड़ा बयान। कहा बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा पर हम सभी एकजुट है और बिहार और केंद्र सरकार मिलकर इसका निदान करेंगे। वहीं विजय सिन्हा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे के बयान पर किया जमकर पलटवार। मल्लिका अर्जुन खड़गे पर जमकर बोला हमला। विजय सिन्हा ने कहा कि देश को कमजोर करने वाले आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध और भ्रष्टाचार को पोषित करने वाले लोग देश के प्रधानमंत्री मोदी को हटाने का पहला अभियान रखे हुए है।